तो डियर व्यूअर, आप सभी का स्वागत है मनु एकेडमी में। और आज हमारे पास जो गेस्ट है ना, बहुत खतरनाक है। मैं इंट्रो दूंगा, उससे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। तो हितेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है मनु एकेडमी में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। एक फॉर्मेलिटी होती है ना हर गेस्ट के बारे में बताएं इज्जत के साथ। तो हितेश जी मैकेनिकल इंजीनियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इन्होंने प्राइवेट जॉब किया बीटेक करके 3 साल, उसके बाद ये जीएसईसीएल में एज ए जूनियर इंजीनियर। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा करके बनते हैं, पर आपको पता है जीएसईसीएल जो गुजरात की है उसका बेसिक क्राइटेरिया है बी होना चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। कई बार बाहर स्टेट वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनको भी थोड़ा आइडिया लगेगा। और अब ये है असिस्टेंट इंजीनियर जीडब्ल्यू एसएसबी में, और इन सब का मतलब प्राइवेट दो गवर्नमेंट जॉब, इन सब का एक्सपीरियंस आज हमारे साथ साझा करेंगे। करेंगे ना ऑनेस्टी के साथ, अरे मतलब हाँ करेंगे ईमानदारी सर। के साथ पूरा। जिन हाँ सवाल का सर। जवाब देना चाहते हैं खुल के दे सकते हैं। कुछ ऐसा रात तो आप मतलब नेताओं की तरह टाल मटोल भी कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं यस कि सर। बिजली मतलब आदमी के जीवन में दो चीज जरूरी होता है, बिजली और पानी। हमने सुना है अक्सर आप पहले बिजली बना रहे थे, आप पानी सप्लाई करोगे, तो भाई बिजली से दुश्मनी क्यों क्यों छोड़ दिया आपने जीएसईसीएल? ना सर, जीएसईसीएल छोड़ने का बहुत हार्ड डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि वो अच्छी वाली जॉब थी। वहां पे जो टेक्निकली गुजरात के लिए सबसे अच्छी टेक्निकल जॉब होती है वो एक जीएसईसीएल है, मैकेनिकल फील्ड की। तो उसमें पावर प्लांट का रिलेटेड सब मिलता है, आपको टेक्निकली आप इन्वॉल्व रहते हो, बट थोड़ा उसके मीन्स लोकेशन वाइज और थोड़े गुजरात में देखे तो साथ ही 7-8 स्टेशन है कि वहां पे हमारी जॉब ट्रांसफर हो सकती है। और मैं प्रॉपरली जूनागढ़ का बिलोंग करता हूँ मैं बेसिकली, मीन्स तो मुझे मेरे इलाके के नजदीक में कुछ नहीं था मीन्स प्लांट, अच्छा तो मुझे प्रिफर हुआ कि इसमें मैं ट्राई करूँ और मेरा हो गया इसमें। अच्छा तो मतलब ठीक है। वैसे तो पहले आप बिजली बनाते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, जिंदगी के लिए वो भी जरूरी है। अब वाटर उससे ज्यादा जरूरी है, एक बार अंधेरे में रह सकते हैं, बिना पानी के नहीं रह सकते। तो हमें उम्मीद है आप यहाँ पे बढ़िया करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर प्राइवेट जॉब में है, तैयारी कैसे करें, नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिलता है, या तो उसको एक्सक्यूज कह लें या फिर माइंडसेट कह लें, या फिर ये कह लें कि भाई हकीकत ही वही है, टाइम नहीं मिलता। क्योंकि प्राइवेट वाले तो ना गन्ने वाली मशीन समझते हैं ना, उन्हें निचोड़ लेते हैं, थोड़ा भी जूस बाहर नहीं जाने देते आदमी का। तो क्या मोटिवेशन था, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी प्राइवेट जॉब में? सैलरी कम थी, काम ज्यादा करना पड़ता था, या इज्जत कम मिलती थी सरकारी की? ना सर, मेरा पहले से ही फोकस था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बट सम रीजन मेरा प्लेसमेंट हुआ फुल कैंपस में, तो मुझे लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ प्राइवेट जॉब के साथ। मेरा एक ऐसा मैं थोड़ा मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि मैं अकेले में नहीं बिलोंग, मीन्स प्रिपरेशन के साथ जॉब कर सकता हूँ। मैंने जो भी जॉब की है मीन्स प्रिपरेशन की है वो जॉब के साथ की। मैंने 3 साल तक ये जो कोविड पीरियड था उसमें भी मैं प्रिपरेशन साथ कर रहा था और जॉब भी कर रहा था, बट जो एग्जाम नहीं आई इसलिए थोड़ा डिले हो गए। और जब जीएसएससीएल की आई तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से, वो जीएसएससीएल में हुआ। बाद में जिस जेडब्ल्यूएसएसबी की तभी उस टाइम भी आई गई थी, तो अब दोनों का साथ ही मैंने प्रिपरेशन किया था तो उसमें भी हो गया। बट ऐसा होता है कि प्राइवेट जॉब के साथ आपको टाइम नहीं मिलता, वो सही बात है, बट आपको थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना पड़ता है। आपको अच्छी थोड़ी लाइफ चाहिए, प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाना है, आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा वैल्यू भी मिलता है। आपने बोला ऐसा नहीं होता सर, यहाँ पे हाँ आपको इंडिया पता चलता है है, प्राइवेट इंडिया और इंडिया है सर, और स्पेशली आपको लगता है कि हाँ प्राइवेट से गवर्नमेंट में थोड़ी वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो मैंने हर रोज मेरा एक कंटिन्यूअस रीडिंग रखा था मैंने, कभी ऐसा नहीं कि आज करूँ और 2-3 दिन कर दे करने के बाद 10-15 दिन ब्रेक ले लेता हूँ, बाद में थोड़ा फुल डे कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा मेरा टाइम ऐसा था कि मैं सुबह रीडिंग कर सकता हूँ। मैं सुबह 2-3 घंटे हर रोज करता था रीडिंग, और सैटरडे संडे मिल जाता है तो उसमें ज्यादा हो जाता है। बट आप रीडिंग करो बट कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रीडिंग रखोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और बाद में आप सोचने लगोगे कि 2 घंटे में क्या होगा क्या होगा, बट हो जाता है, आराम से हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है।
हाँ हो जाता है, और प्राइवेट जॉब वालों को मुझे लगता है कि थोड़ा टेंशन भी रहता है। जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब अनसर्टेनिटी हाँ ज्यादा होती है। आप मतलब हाँ कौन सी कंपनी होती में है थे? सर। मैं सीमेंस में था, सीमेंस एनर्जी में, एमएनसी सीमेंस तो कंपनी। बढ़िया बढ़िया कंपनी है, यस सर। मतलब नाम है सीमेंस मोटर, हमने सुना है। अब एनर्जी में भी है और जगह भी जा रहे होंगे। तो वर्क इन्वायरमेंट कैसा था सीमेंस का? अच्छा था मतलब? आप रिकमेंड सर करेंगे कि अच्छा कोई जाना चाहता है तो जाना चाहिए उसको? ना, रिकमेंड करूंगा सर। अच्छी है, अहमदाबाद में है जॉब लोकेशन, और जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, अच्छी वाली जॉब है। थोड़ा वर्क लोड रहता है ज़्यादा, अच्छा बट आप मैनेज कर सकते हो उसके साथ। मैंने भी मैनेज किया था उसमें, बट मुझे थोड़ा गवर्नमेंट में ही जाना था, पहले से था, इसलिए मेरा तो टाइम शेड्यूल ऐसे ही फिक्स कर रही गया था कि साथ में मैं प्रिपेयर कर लूंगा। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट, पर्सनल थोड़ा होता है हाँ कि आपको हाँ प्राइवेट में होता करना है। है तो प्राइवेट और कर किसी सकते को हैं। भी, किसी को भी गवर्नमेंट मिलेगा तो प्राइवेट में क्यों जाएगा? ये बेसिक चीजें हैं। पर ये एक यस बात था सर, कि आपको ग्रोथ मिला था वहां पे? जैसे 3 साल आपने रहा, 3 ईयर दिया आपने, तो यस सर। ना ग्रोथ ना, कैसा है? बट अच्छा है। सर हाँ, ग्रोथ ग्रोथ अच्छा मिल रहा था। बट मैं जब जॉब, मेरी जॉब वहां में थी, तब कोविड पीरियड था, तो थोड़ा वो कोविड पीरियड के लिए वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था जॉब में भी, और मेरे थोड़ा कलीग्स थे, उसको रिजाइन भी करना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा फायर कर दिया था। तो वो सब देखना पड़ता है कि क्या होता है प्राइवेट जॉब में, ऐसा थोड़ा थोड़ा फेस सीसी करना रहता पड़ता है। है, इसलिए थोड़ा मो हाँ, हाँ थोड़ा वो तो है था वहां पे तो प्राइवेट जॉब में। वही से आता भी कि भाई अब थोड़ा तैयारी कर लो, ज्यादा ज्यादा यस सर, करने वहां से आपको लगता से है कि इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि भाई प्राइवेट जॉब एक बार कर लो, दिमाग खुल जाएगा कि जितना आपको टेंशन लेके डेली रहना है वो ज्यादा पोटेंशियल के साथ आप तैयारी करोगे गवर्नमेंट की। बट मैं सर एक ही बात बताना सकता हूँ इसमें, कि सर आप एक एक बार प्राइवेट जॉब करके आता है ना जो बंदा, उसको गवर्नमेंट की वैल्यू पहले दिन से पता चल जाएगी। एक 15-20 मजा दिन कर ली गवर्नमेंट जॉब, उसको पता चलता है क्या कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है। ही मजा आता है। वैल्यू हाँ के साथ थोड़ा वो ज्यादा वर्कलोड सब सब मिलता है, सब मिलता है वैल्यू के साथ। वर्कलोड वर्कलोड तो बहुत कम होता है, और आप वाली जॉब में तो। बहुत कम। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आपने कहा कि भाई जीएससीएल में सीखने को ज्यादा मिल रहा था ऑन लाइटर मोड, तो इंजीनियर को आराम के पीछे भागना चाहिए सीखने के पीछे? आपका क्या सजेशन रहेगा? सर सीखने के पीछे तो भागना चाहिए, अच्छी बात है, बट थोड़ा पर्सनल रीजन भी होता है। मैंने थोड़ा थोड़ा डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, वहाँ भी एसेंशियल सर्विस है, यहाँ भी GW मीन्स JB भी एसेंशियल सर्विस है, तो सभी जना सेवा ही करनी है, तो यहाँ पे जाकर करूँ और थोड़ा मेरा भी पर्सनल व्यू देख लूँ नेताओं वाला जवाब दिया आपने। वैसे बहुत सारे लोग ना। इसरो और बैंक छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने ऐसे भी इंटरव्यू किया है इसी चैनल पे कि बंदे इसरो और बैंक छोड़ के स्टेट सर्विस की असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो मतलब यस सर, आराम तो चाहिए, एक फैक्टर तो होता है कि भाई अगर जिस जॉब में अच्छा वर्कलोड कम है वो आराम हो, वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको, हाँ सर आपको जॉब करने के बाद पता चलता है 2-3 साल में कि थोड़ा आराम, अपनी पर्सनल लाइफ भी चाहिए, तो देखनी पड़ती है अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, थोड़ा आगे का देखकर प्लान करना पड़ता है सर, कहाँ हाँ नहीं जाना है तो डिसीजन लेना। न्यूटन की बीवी भी छोड़ सकती है, तो फिर आम आदमी का तो फैमिली लाइफ कैसे चलेगा? ठीक हाँ है। बस सर वही। अब ये जो आपने जीएससीएल में जॉब किया, तो कौन से सेक्शन में थे आप एग्जैक्टली? अगर पर्टिकुलरली किसी सेक्शन हाँ की बात करें। मैं टर्बाइन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था सर। वहाँ पे मैं बेसिकली टर्बाइन के रिलेटेड सब था वो देख रहा था, उसके रिलेटेड जो साइकिल चल रही है टर्बाइन के रिलेटेड, जो भी वाटर साइकिल चल रही होगी, जो स्टीम के रिलेटेड जो भी होता है फंक्शन, वो सब का मेंटेनेंस में मैं काम कर रहा था वो डिपार्टमेंट में। वहाँ पे जॉब प्रोफाइल मेरे ऐसी थी कि मैं मेंटेनेंस सबका, मैंने बोला उसका पंप का मेंटेनेंस, जो भी लाइन जाती है उसका मेंटेनेंस, बस आईडी सेटी होता है जो वहाँ पे कूलिंग टावर कहते हैं उसको, उसका मेंटेनेंस मैं वहाँ करता था। और उसके रिलेटेड जो टेंडरिंग प्रोसेस होती है, वो जो रिक्विजिशन उसको बोलते हैं, वहाँ पे रिक्विजिशन से स्टार्ट करके वो रिक्विजिशन मीन्स टेंडर बनाने होता है, टेंडर बनाने होता था, उसके बाद जो पार्टी बीट करती है उसका सब क्वालिफिकेशन ओके है, टेक्निकली ओके है, सब चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो पार्टी को ऑर्डर हो गया तो उसका मटेरियल अच्छा आया तो मटेरियल चेक करना पड़ता है, सब वो जॉब प्रोफाइल ऐसी थे सर वहाँ पे। तो ये मेंटेनेंस के नाम, जैसे आपने कहा मेंटेनेंस, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेंटेनेंस का केवल नाम है या सच में आपको जाके जो
जो मेंटेनेंस की जनरल मीनिंग हमें एक कॉमन आदमी को समझ में आती है कि भाई बाइक खराब हो गई तो आदमी ने इंजन खोला या जो भी खराब था वो खोला बनाया, तो इस टाइप का मेंटेनेंस है या केवल कि मेंटेनेंस करना है तो किसी आउटसोर्स आउटसोर्स किया हुआ है उस कंपनी को बुला लिया और मेंटेनेंस हो गया, या आप लोग खुद करते थे जीएससीएल वाले खुद करते थे? ना, जीएससीसीएल में अभी ऐसा हो रहा है, मैं बेसिकली कच्छ में जॉब में था तो वहां पे आउटसोर्स ही था। आउटसोर्स अच्छा पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो वर्क ऑर्डर होता है, मींस आउटसोर्स पार्टी का, तो उसका भी मेन सप्लाई होता है, मेन पावर का सप्लाई होता है। हम उसको सजेस्ट मींस सुपे को बता देते थे, हमारे पास आ जाती होगी, आ जाती है थी, डिफेक्ट आ जाते थे, तो हम बता देते कि आपको ये काम अभी करना है, प्रायोरिटी सेट कर देते थे कि सुबह ये काम लीजिए, दोपहर को खत्म हो जाए बाद में ये लीजिए, और शाम को ये लीजिए, उसके हिसाब से हम उसको प्रायोरिटी सेट देते थे और उसका सुपरविजन करते है, ऐसा काम रहता था सर वहाँ पे। ठीक है। अब जिन लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस समझ में नहीं आया था, मैं बता देता हूँ कि अगर यही मेंटेनेंस का काम अगर प्राइवेट में होता तो खुद ही अपने हाथ काले करने पड़ते। ये टेंडरिंग बुला के कि ये काम सुबह कर देना, ये काम शाम कर देना, और वो सर सर कह रहा है टेंडर वाला कि हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, फिर जाके थोड़ा सा धौंस भी दिखा दे, करे अभी ये काम नहीं हुआ। तो ये मजा सरकारी कंपनियों में मिलता है, और वो जो खुद हाथ अपने काले करते हैं वो प्राइवेट वाले होते हैं, क्योंकि आपने टेंडर दिया वो भी कोई इंजीनियरिंग वाली कंपनी होगी ऑब्वियसली, जो मेंटेनेंस पे काम कर रही होगी, वहां पे भी एक इंजीनियर ही आके उसको बना रहा होगा, बस भी एक इंजीनियर। बस डिफरेंस यही समझ जाना, एक सरकारी इंजीनियर है जो खड़ा होकर करवा रहा है और एक प्राइवेट इंजीनियर है जो कर रहा है, तो इस वजह से जनरली लोग प्रीफर करते हैं। खैर, तो एक मैं और ऐसे इन जनरल पूछना चाहता हूँ कि टर्बाइन हम लोग पढ़ते भी हैं, कितनी बड़ी टर्बाइन यूज हो रही थी वहां पे, और टरबाइन का जो आउटपुट है हम कैसे साइज के हिसाब से कैसे समझते हैं कि भाई मान लीजिए 2 फ्लोर की टरबाइन है, 1 फ्लोर की टरबाइन है, तो इसका ना आउटपुट कितना सर होता होगा? ना, बट सर ऐसे साइज से हिसाब तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक अराउंड देख लेने तो एक अपना रूम होता है ना, इतनी होती है, इतनी बड़ी होती है। बट हमारा अच्छा प्लांट तो छोटा था, 75 मेगावाट का ही था प्लांट वहां पे, अच्छा तो उतनी टर्बाइन थी। बट बड़े प्लांट है जैसे वनागपुरी है, वहां पे सब जो क्रिटिकल प्लांट है, 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल प्लांट, उसमें थोड़ा होगा, बट हमने विजिट नहीं किया तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उसकी साइज कितनी है। बट हमारे अच्छा यहाँ तो एक अराउंड एक रूम कह सकते हैं, इतनी बड़ी थी, एक दो रूम जैसी। अच्छा मतलब अगर वो हाइट में मेजर करें तो कितना अराउंड होगी, 10 फीट, 12 15 हाँ बस इतना, इतने दस के दस आसपास? दस ठीक लाख है, क्योंकि बहुत बार हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो हमें आइडिया नहीं लगता है, जो अभी फ्रेशर होंगे तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो कॉलेज में भी देखते हैं तो प्रोटोटाइप टाइप का होता है वो, छोटा बहुत छोटा बहुत ना छोटा। सर। हाँ वही, जब आप फील्ड में जाते हो ना तो आपको लगता है कि आपने जो एक चैप्टर पढ़ा था ना, उसका यहाँ पे सिलेबस से भी ज्यादा हो जाता है। आप टर्बाइन का खाली एक इतना ही देखते हैं कि ऐसे करो टर्बाइन बन गया, बट यहाँ पे आओ तो पता चलता है कि टर्बाइन में तो आप इतना सीख सकते हो कि आपको हाँ 5 से 6 साल तो लग जाते हैं उसमें पूरा प्रॉपर स्टडी करने के लिए। अच्छा, किस टाइप की टरबाइन आपके यहाँ पे यूज हो रही थी? हाँ इम्पल्स रिएक्शन दोनों सर मिक्स में, इंपल्स पहला स्टेज रिएक्शन, इंपल्स चल होता है, बाद में रिएक्शन। अच्छा ठीक बात। तो आपने कूलिंग टावर का भी मेंटेनेंस आप देखते थे, टरबाइन सेक्शन का भी देखते थे, तो इन शॉर्ट कूलिंग टावर, टरबाइन, बॉयलर, बॉयलर भी देखा आपने? बॉयलर सेक्शन नहीं। ना बॉयलर मैंने नहीं था, बॉयलर सेक्शन मेरे अंडर अच्छा, नहीं था, इन हमारे जनरल हम अंडर। पावर प्लांट की बात करें, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना जो बच्चे क्यूरियस होंगे वो समझ पाएंगे। इन जनरल पावर प्लांट की बात करें तो हमने जो साइकिल पढ़ा है रैंकिन साइकिल या फिर मान लीजिए गैस है तो ब्रैटन वाली, तो आपका स्टीम पावर प्लांट था ना? हाँ, तो कितने दूर में मतलब बॉयलर कहाँ पे लगा था? जैसे बुक में तो हम लगा देते हैं कि यहाँ पे बॉयलर है, इसके बगल में टर्बाइन है, तो अराउंड कितना डिस्टेंस होती है कि बॉयलर सेक्शन यहाँ पे है, उसके कितना दूर पे टरबाइन सेक्शन होता है, फिर कूलिंग टावर कितना, ऑन एन एवरेज, इन जनरल हर प्लांट का अलग होगा लेआउट, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज सर बॉयलर आपको पहले दिन हम जाए, फनी बात बताओ तो सर, एक हम पहले विजिट में गए ना जाके, तो हम बॉयलर घूम के आ गए और बाद में हाँ हमने बताया, पूछा सबको कि बॉयलर कहाँ पे है, और हाँ हमने घूम लिया था बॉयलर। आपको पता नहीं अच्छा चलता है कि बॉयलर कहाँ पे होता है, वो अच्छा वहां पे ऊपर ऊपर जाते जाओ और आपको पता चल जाता है कि यही बॉयलर है।
अच्छा तो ऐसा नहीं होता कि आपके स्पेसिफिक है, बट थोड़ा बॉयलर का आप देख लगते हो कि ये बॉयलर है पूरा देख लो ना, तो ये सब लाइन लगी होती है एक ही साथ, तो बॉयलर साइड में होता है एग्जेक्ट, ऊपर उसकी साइड में थोड़ा टर्बाइन होता है और नीचे टर्बाइन के सब असेंबली होती है, बीएफपी होगा उसके हीटर हो गए सब, वो कंडेंसर होगा एग्जेक्ट बॉयलर के टर्बाइन के नीचे, वो सब यहाँ एग्जेक्टली नियर नियर ही होते हैं सब। अच्छा आसपास होते हैं। तो ये आइसोलेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि है तो क्या कंक्रीट का वॉल बनाए रहते हैं बीच बीच में यस, आइसोलेशन के लिए, कंक्रीट का वॉल। और आना जाना कैसे रहता है आप लोगों का? जैसे प्लांट जाना है तो कितना दूर पे हाँ आपका रेजिडेंस था? कंपनी हाँ ने दिया था हाँ रेजिडेंस? सर, हाँ सर, कंपनी हमें यहाँ पे एक जीएसएसएल में एक बेनिफिट है कि जीएसएसएल में आप जहाँ भी जाओ वो थोड़ा शहर से थोड़ा दूरी डिस्टेंस पे होगा, तो वो कॉलोनी प्रोवाइड करेगी, अच्छी वाली कॉलोनी होती है वहाँ पे, उसके कॉलोनी के साथ किसी किसी प्लांट में कॉलोनी प्लांट के नजदीक ही होती है जस्ट साइड में, और अच्छा एक दो प्लांट है, जैसे हमारा प्लांट था वो 8-10 किलोमीटर दूर थी कॉलोनी और प्लांट का डिस्टेंस, तो बस का प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सबको, टाइम सर जो खाना सुबह आती है बस। खाना पीना हाँ उसका मैं जॉब सर आपको टाइम टेबल बता देता हूँ, ऐसा है तो हमारा सुबह 8 बजे हमारा जॉब शेड्यूल था, स्टार्ट होता है 8 से 12 बजे, 12 बजे तक, और 12 बजे फिर रिटर्न आते थे, 12 से 2 बजे तक खाना लंच का टाइम, 2 बजे फिर जाते थे और 6 बजे रिटर्न आते थे, तो पूरा ऐसे आप देख सकते हो, तो प्राइवेट जॉब के सुबह से जाओ और शाम को आओ, एक रूटीन लाइफ लग जाता है कि सुबह से शाम तक, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एक वर्क ऐसा होता है कि अच्छा। सुबह से चले जाओ और शाम को आओ। मेरे पूछने का पर्पज ये भी था कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जीएससीएल की वैकेंसी कब आएगी, तो थोड़ा उनको वर्क इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। और मान लीजिए कोई खाने पीने वाला है कि भाई चस्का है उसको घर का खाने का, तो खाने की क्वालिटी कैसी रहती थी? अच्छी रहती थी? खा पी सकते हैं? हाँ, हमारा प्लान था वहाँ पे, तो एक वहाँ पे है ना कुछ मिलता नहीं है, तो बेसिकली पहले से ही यहाँ पे अंदर कॉलोनी के अंदर एक मेस होती है, इंजीनियरिंग मेस करके है सब, वहाँ पे फैसिलिटी इतनी प्रोवाइड अच्छी वाली कर देते हैं ना कि कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये थोड़ी एक फैसिलिटी अच्छी वाली मिलती थी वहाँ तो पे। मतलब वहां पे जाएगा खा पी के मस्त रहेगा आदमी, और फिर अरे आइसोलेटेड। और खेलने बस वेलने के लिए कोई यार है कि मतलब चलो टाइम पास कर? हाँ हम मैं ना ना सब होता है सर, मैंने जितने भी प्लान में बात की है सब में ग्राउंड होता है, सब खेलने की फैसिलिटी सब में है, कॉलोनी होता है तो बेसिकली कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं इसलिए सब प्रोवाइड ही है, पहले से फैसिलिटी इतनी अवेलेबल है, क्योंकि नियर बाय कुछ इतना अच्छा नहीं है डेवलप होता है, तो वहाँ पे सब मिलता है, तो फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो बट अब मान लीजिए किसी की शादी हो गई, अब वो बीबी के साथ रह सकता है वहां पे कॉलोनी में? ऐसा कुछ अरेंजमेंट हाँ देते यार, हैं? हाँ रह सकते, और हाँ उसकी हाँ बीबी देते को हैं, क्वार्टर शॉपिंग देते करना हैं है तो सर, फिर जीएससीएल में शॉपिंग कराएंगे? नहीं कराते ना भाई। सर तो ये डिस्क्लेमर है, आप लोग समझ जाना कि बीबी कुछ दिन में भाग जाएगी, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं, शॉपिंग तो चले जाते हो काम पे, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? तो यही एक रीजन है जो कुछ बच्चे छोड़ते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, प्राइवेटली भी बात करता हूँ, तो मैक्सिमम लोगों का यही रीजन होता है कि थोड़ा जो पावर प्लांट होता है, चूंकि मैकेनिकल इंजीनियर है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों का तो फिर भी, इलेक्ट्रिकल वालों का तो फिर भी गाँव में या तालुका हाँ में हो जाता है, पर मैकेनिकल इंजीनियर का जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे उनका रहती है जॉब। तो पावर प्लांट आप लोग समझ ही रहे, दूर ही बनता है, पास में तो बनने का कोई चांस ही नहीं, तो वो थोड़ा सा है, इसी वजह से लोग छोड़ते हैं। हाँ बस इसीलिए, हाँ इसीलिए सब जो जीएसएसएल में थे वो बंदे का जिसका भी सिलेक्शन हुआ था वो सब छोड़ के आ गए हैं सीडब्ल्यूएस छोड़ के में आ इस गए। बार, और सीडब्ल्यूएसएस पे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप एक वीडियो बना के बोलिए कि ये जो बच्चे पहले से सेलेक्टेड है किसी गवर्नमेंट जॉब में वो ना जाए। मैं कहा भैया मेरे कहने से थोड़ा मानेंगे, वो प्रॉब्लम है, जाएंगे इस चीज कर। ठीक है, आते हैं आपके इस पे, डीडब्ल्यूएसएसबी पे बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करीब 450-500 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, अभी लिस्ट आना बाकी है। फिर भी अब बच्चे उसी का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं सर आप कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हो, डायरेक्टली जीडब्ल्यूएसएसबी की बात करिए। तो आपने जब इंट्रो दिया था तो ये सब बताया होगा आपने कि आपने प्राइवेट में जॉब किया है या आपने जीडब्ल्यूएसएसबी में किया, तो क्वेश्चन किस टाइप के आए थे आपको इंटरव्यू में? बेसिकली सर मैंने स्टार्ट हुआ ना इंटरव्यू, तो पहला क्वेश्चन मैम का आया, मेरी मैम वाली पैनल थी, तीन पैनल थी हमारे वक्त टाइम पर, तो सेकंड पैनल में मैम बैठी थी, मैम मैम चेयरमैन थी एजर, तो उसने पहला जनरल क्वेश्चन कर दिया कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो मुझे ठीक है, पता था बट उसने पूछा उसके स्कीम क्या है, अभी हम गुजरात में क्या स्कीम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था,
एग्जैक्टली क्या कौन सी स्कीम है। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन था मैम का, उसने बाद में फॉरवर्ड कर दिया इंटरव्यू मेरा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के सर को। तो डिपार्टमेंट के सर ने बाद में क्वेश्चन स्टार्ट किया, मेरा थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन हो गया था, इससे पहले स्टार्ट किया था तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करके हो गया होगा सब। तो सर को पता था मैं मेंटेनेंस में वर्क करके आया हूँ और मेरी प्राइवेट जॉब भी थी, तो उसने थोड़ा डायरेक्टली उसका मेंटेनेंस जो होता है GWSSB में डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, उसके क्वेश्चन आए कि पंप है तो पंप के मेंटेनेंस में क्या देखते थे आप, पंप पंप की डिजाइन करनी होगी तो आप कौन सा पैरामीटर देखेंगे, पंप आपने डिजाइन करके आ गया तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आपने डिजाइन किया वही पंप है आपका, वो सब आपने प्रैक्टिकली किया होगा तो आपको पता होगा, तो आप बता रहेंगे कि हाँ फ्लो मेजर करेंगे, हेड मेजर करेंगे, वो मेजर कर देंगे। उसके बाद उसने पूछा कि GWSSB में कितने मीन्स डायमीटर कौन सी कितने की पाइप यूज होती है, और मुझे भी पता था कि हम मैंने एक वीडियो देखा था कि GWSSB का, कि वो एक छोटी मोटर जा सकती है, इतनी बड़ी कार होती है, उसका एक स्पेसिफिकली वीडियो है कि कहाँ पे बताया था कि GWSSB की जो पाइप है बड़ी मीन्स GWIL की उसकी सब ब्रांच है, उसकी बात में कर रहा हूँ सर, GWSSB में इतना नहीं होता, तो मैंने वो बता दिया तो थोड़ा अच्छा लगा उसको कि हाँ थोड़ा पता है। उसके बाद उसने पूछा कि उसमें कौन सा वेल्डिंग होता है, तो मुझे पता था कि थोड़े बेसिकली क्वेश्चन है तो आने वाले है तो मैं प्रिपेयर कर गया था, तो मुझे वेल्डिंग की टाइप भी पता थे और सब कुछ बता दिया, तो मेरा स्टार्ट से ही इंट्रोड्यूस अच्छा हुआ डिपार्टमेंट का। जो वो डिपार्टमेंट वाले सर ने क्वेश्चन पूछा वो मुझे अच्छे से आ गया, बाद में मेरा इंटरव्यू गया बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ मीन्स टेक्निकल सर के साथ। तो टेक्निकल सर वाले ने थोड़ा पंप के बारे में पूछा और फाउंडेशन कैसे होता है पंप का, फाउंडेशन बोल्ड क्या होते हैं, पसी सब वो थोड़ा थियोरेटिकल चले गए टेक्निकल के बाद में। मैं ऐसे मीन्स बुकिस्ट बुकिस्ट क्वेश्चन आया तो थोड़े आए थोड़े नहीं आए, तो मैंने एक ब्लफ नहीं किया कभी भी मेरा इंटरव्यू में, ऐसा बोलूँ तो सर मैं इंटरव्यू देके आया तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा मीन्स मार्क्स 60 मार्क है मेरे इंटरव्यू में। अच्छा, हाँ तो मेरा इतना 60 मार्क आने वाले है, बट अनफॉर्चुनेटली मीन्स फॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली आ गए आ गए, मेरा ठीक फॉर्चुनेटली, ये होता है। क्योंकि मैंने 60-70% ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 70% ही मैंने अटेम्प्ट किया है मीन्स आंसर दिए है, उसके अलावा तो मैंने नो बोल दिया है कि सर मुझे नहीं पता, तो अच्छा होता है शिफ्ट कर मीन्स अब ब्लफ मत करो। मेरे मेरे फ्रेंड है तो उसके एक दो में ब्लफ हो गया था, बट तो उसके मार्क कट हुए हैं मुझे पता है, उसका इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा गया, बट थोड़ा लगता है कि आपका ब्लफ हो गया तो इंटरव्यू में नेगेटिव इफेक्ट 100% आते हैं, 100%। हाँ, इनका ब्लॉग कहने का पर्पज ये है कि कई बार कैंडिडेट को क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी वो घुमाने की कोशिश करते हैं, कुछ गलत जवाब दे देते हैं। तो ये बात हर कोई कहता है, गलत जवाब दोगे फिर क्रॉस क्वेश्चन आएगा, फिर गलत कुछ को बोल दोगे तो उससे अच्छा सॉरी बोल। और इनसे पंप से रिलेटेड क्वेश्चन जो डिजाइन से रिलेटेड पूछे गए, वो इस वजह से कि इन्होंने अपने बताया था प्रोफाइल में कि ये पंप मेंटेनेंस और टर्बाइन सेक्शन में काम करते, तो टर्बाइन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। ना टर्बाइन से रिलेटेड नहीं पूछा उसने, डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है ना, मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आपने मेंटेनेंस में जॉब किया है ना तो आप बताओ हमारे यहाँ पे वर्कशॉप बनाना है तो आप कौन सी मशीन यूज करोगे, मीन्स कौन सा कटिंग टूल यूज करना मीन्स बाय करोगे और मशीन सब बाउंड उसका होगा, क्या ठीक है। प्रोसेस होगा, वो सब वो क्वेश्चन उसने पूछे कि क्रेन के क्या टाइप होते हैं सब वो सब क्वेश्चन उसने जनरली पूछ लिए। बट आप देख लो ना तो आप एक क्वेश्चन सॉरी नहीं आता, और आप मीन्स उसने सर ने पूछा कि आपको क्वेश्चन नहीं आता मीन्स सॉरी बोल दिया आपने, तो उसके बाद आप थोड़ा क्लू दे दो कि आपका इंटरव्यू कहाँ जा रहा है, तो आप थोड़ा सर मुझे ये नहीं पता बट ये थोड़ा ऐसा पता है, तो बाद में वो सर यही देखते हैं कि आपने क्या बोला उसमें क्वेश्चन ले जाएंगे। तो मेरा थोड़ा ऐसा था कि मैंने सर मुझे नहीं पता है बट थोड़ा इसमें पता है ये होता है, तो मैंने ये 2-3 बार ऐसा बोला तो मेरा इंटरव्यू शिफ्ट हो रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे हाँ, नहीं आ जो रहा डायरेक्ट तो वो डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हाँ यस। ये बार बार कहा जाता है। मैंने भी बार बार कहा है कि अगर आपको नहीं आता, तो बहुत बार आप ऐसे भी कह सकते हो सर मुझे नहीं आता है, बट मैं गेस कर सकता हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। तो फिर आप इंटरव्यूअर को एक ऑप्शन देते हो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछ। एक बात और ध्यान देने वाली है, मैं भी ये कई बार कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आपके एक्सपीरियंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे इन्होंने टरबाइन भी बताया, शायद पहले टरबाइन बताया होगा,
पर इंटरव्यूअर को शक टरबाइन में बहुत अच्छा कुछ नहीं आता होगा, तो इस वजह से उसने उसको स्किप किया। डिपार्टमेंट का था तो पंप पूछा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस लाना है इंटरव्यू के डिस्कशन के टाइम पे, ऐसी चीजें बोलनी है जिसमें इंटरव्यूअर का भी थोड़ा इंटरेस्ट हो और आपने उसको पढ़ा है, पोलाइट कर लिया, तो आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट वाले सर ने पूछ लिया और जो एक्सपर्ट थे टेक्निकल एक्सपर्ट, उन्होंने तो थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया और मैडम ने बस एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। हाँ, और दूसरे टेक्निकल वाले सर ने पूछा कि सपोज करो वेल्डिंग मीन्स पाइप में कुछ डिफेक्ट है तो आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो। पर मेरा अच्छा था कि मैंने पहली बार जो जॉब थी मेरी प्राइवेट जॉब वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में थी, क्वालिटी कंट्रोल में मैं वर्क करता था, तो मुझे आता था कि वेल्डिंग होता है किसी भी में उसके डिफेक्ट सेंस मालूम करने के लिए जो रेडियोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हो, डीपी टेस्ट करते हो, वो सब मुझे पता था। तो उसके बेसिकली उसके थोड़े क्वेश्चन आए हैं तो उसका मैंने सही से आंसर कर दिया उस मीन्स दूसरे डिपार्टमेंट वाले सर को, मीन्स टेक्निकल वाले सर को। टेक्निकल वाले को तो अल्टीमेटली ये शिकायत भी होती है कई सारे बच्चों को कि सर ये जो एक्सपीरियंस वाले जाते हैं ना, इनसे एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जवाब दे लेते हैं तो उनका पॉजिटिव चला जाता है, और हम बिना एक्सपीरियंस के हैं, अब हमसे कुछ भी रेंडमली पूछते हैं। तो बात सही है, थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हम जरूर कह सकते हैं कि जो लोग बिना एक्सपीरियंस के जाते हैं उनसे थोड़ा रेंडम क्वेश्चन आते हैं कि कोई टेक्निकल वाले उसके मूड में कोई सब्जेक्ट आया पूछ लिया, उसने कुछ पूछ लिया। तो आप भी अगर कुछ पढ़ के गए हो, जवाब दे रहे हो, तो उसमें कुछ कुछ क्लू दिया करिए, जैसे इन्होंने भी कहा कि कुछ कुछ अगर आप क्लू दोगे उसमें कुछ करोगे तो इंटरव्यूअर आपके जो इंटरेस्ट वाली चीजें हैं वो पिक करेगा, डेफिनेटली करेगा। और कुछ सजेशन आप देना चाहते हो कि इंटरव्यू में जाते टाइम कैसे करना चाहिए, बात जो थी वो कैसे किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या क्या फोकस करना चाहिए अगर GWSSB का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए स्पेशल? सर, JWSSB के अभी इंटरव्यू आने ही वाला है थोड़े टाइम में, तो मैं थोड़ा इतना तो सजेशन मुझे पता नहीं है बट जितना है वो बता सकता हूँ कि जो आप टेक्निकली मीन्स जॉब नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे प्रिपेयर करो कि थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चन करो। आपको वहां पे इतना मीन्स फुल इसरो का एग्जाम नहीं है कि DRDO का एग्जाम नहीं है कि बड़े बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आएगा कि स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, क्या है रैंकन साइकिल, क्या है कार्नोट साइकिल, क्या है, बट आपको पता है सब, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वहां पे। आपने पढ़ के रट के लिया सब लिया बट आप एक बार ट्राई करो अभी तो आप नहीं बता पाओगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को और प्रेशर को डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, वो सब आप थोड़ा बोल के प्रिपेयर करो ना तो अच्छे से होता है। मैं और मेरा एक कलीग से थे, हम साथ में थे जॉब कर रहे थे, हमने दोनों साथ में प्रिपेयर करते थे इंटरव्यू की, कि वो मुझे क्वेश्चन पूछता था रेंडमली कुछ और मैं उसका आंसर देता था, उसमें उसके बाद मैं उसका इंटरव्यू लेता था, थोड़ा ऐसे फनी टाइप कि आप पूछो मैं पूछता हूँ, तो एक अच्छा रहता है उसके बाद। तो आपको कभी भी मिले तो दो पर्सन एक ही साथ प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये बुकिस्ट नहीं है आने वाला। थोड़ा आप, और मैं एक सजेशन देने वाला हूँ सर, मॉक इंटरव्यू दीजिए, जो भी बंदे का इंटरव्यू आने वाला है अभी उसको मॉक इंटरव्यू देने की जरूरत है सर, क्योंकि मैंने भी दिए है जरूर मॉक जरूर, इंटरव्यू, आपका भी मैंने आप में ही दिया था इंटरव्यू। और मैंने लिया था आपका मॉक इंटरव्यू हाँ तब हाँ शायद। हाँ सर हाँ, वीडियो भी तब गया होगा आपका शायद। जो डिपार्टमेंट आपसे मैक्सिमम लोगों से पिछली बार भी पूछा गया था कि GWSSB के बारे में क्या जानते हैं, एस डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानते हैं, तो चूंकि ये अभी जॉब इनके स्टार्ट है तो आप थोड़ा अगर बताओ बच्चों को तो याद करके चले जाएंगे, थोड़ा पढ़ के समझ के चले जाएंगे, तो शायद उनसे भी ये क्वेश्चन आ जाए। सर, डिपार्टमेंट के बारे में बताऊं तो सभी जो तीन ब्रांच है, JWSSB, JWIL और वास्मो, उसका तीन फंक्शन तो आप सबने आपके प्रीवियस वीडियो में आपने बताया है। बट मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप इंटरव्यू हो उसके पहले, अब तो हमारे जैसे 100 असिस्टेंट इंजीनियर आ गए हैं तो वो किसी की किसी फील्ड में हो गई, किसी की कहीं भी डिवीजन में हो गई, तो आप विजिट कर लीजिए, एक बार विजिट हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यू के पहले विजिट थोड़ा गाइड करेंगे, आपको पता होगा प्रैक्टिकली कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो आपको इंटरव्यू के लिए थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा वहाँ पे जाएंगे तो। तो होप सो कि हमने सारा जो पर्सपेक्टिव है वो डिस्कस कर लिया इंटरव्यू का। अगर स्टिल आपका कुछ बचता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या फिर पर्सनल मैसेज, ज्यादा बेहतर होगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अगर ये वीडियो बाद में भी कोई देखता है तो कमेंट देखेगा कैसा आया, वहां का रिप्लाई देखेगा, तो उसको हेल्प मिलेगी। और ये हमारे साथ ही
ऐसे और भी होनहार लोग हैं, तो अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चाहिए तो आप बात करते रहिए, टेलीग्राम में भी होप सो ये होंगे। तो ये लोग अब यस मतलब सीनियर हो गए हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके, तो आपको जरूर गाइड करेंगे। शायद जो लोग yes. सेलेक्ट होके जाएं तब तक आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो जाए, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ लोग काम भी करें, तो पूरा हेल्प रहेगा इन लोगों का, हमारे तरफ से भी रहेगा। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने टाइम निकाला बच्चों के लिए, और होप सो कि आगे भी निकालते रहेंगे, और आप लोग यस गए सर, मैकेनिकल वाले पूरा काम करेंगे, पानी पहुंचाएंगे, हर घर नल, जो सरकार का एजेंडा यस है आपके ही सर, भरोसे है, आप लोगों के भरोसे है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।